ओलंपिक का समापन हो चुका है और उसमें भारतीय ऐसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो जीत कर वापस भारत आ रहे हैं, स्वदेश आ रहे हैं और उनकी अगुवाई करने के लिए, उनके स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर आप देखें कि तमाम लोग पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। अमन सहरावत के स्वागत के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। कहाँ से आप? छत्रसाल स्टेडियम से। छत्रसाल से अमन आ रहे हैं वापस, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि? बहुत खुशी है और पूरा स्टेडियम यहाँ पर मौजूद है और पूरे गांव के और हमारे कोच साहब भी मौजूद है लेने आए हैं अमन से, तो हमें बहुत खुशी है जी। खुशी है, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, उसने हमारे देश का बहुत नाम कर दिया और उसमें हमारा छत्रसाल स्टेडियम पूरा मौजूद है और पूरा। किस तरीके से स्वागत करेंगे आप उसका? हम बहुत माला डाल के, लड्डू बांट के, ढोल नगाड़े लेके आए हैं, पूरा अच्छा स्वागत करेंगे और हमें बहुत ज्यादा खुशी है, उसने देश के लिए नाम रोशन किया है। आप किसके स्वागत में खड़े हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? अमन शेरावत। ये मिठाई है जी, एक बार दिखाइए। ये देखिए लड्डू का भी इंतजाम है मुंह मीठा कराने के लिए, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो आप भी रेसलिंग करते हैं, पहलवानी करते हैं? हाँ जी। कहाँ पे? छत्रसाल। छत्रसाल कितने लोग आए होंगे आप लोगों के साथ में? पूरा खड़ा है हुआ, पूरा खड़ा, तो करीब 100-200 लोग आए होंगे, 200 से ऊपर आए और ज्यादा। इसके बाद फिर यहाँ से जब वापस जाएंगे तो स्वागत करेंगे उनका? बहुत जबरदस्त स्वागत होगा जी, देखना आप, बहुत जबरदस्त स्वागत होगा। और जो उपलब्धि है भारत के लिए अमन ने काम की है, बहुत जबरदस्त काम किया है जी, ऐसा कोई कोई बिरला ही पहलवान करता है जी। ये देखिए कि पूरा का पूरा एक यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं एयरपोर्ट पर और अपने पसंदीदा खिलाड़ी के स्वागत में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हाथों में लड्डू भी है, तिरंगा है, फूल माला है और उसके अलावा ढोल नगाड़े के साथ में खिलाड़ी का और खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। कई हॉकी खिलाड़ी वो पहुंच चुके हैं और भी कई खिलाड़ी वो लगातार यहां पर आ रहे हैं और खास करके अमन सहरावत के लिए एक बड़ी जो उपलब्धि रही है भारत को मेडल दिलाने में, उसको लेकर यहां पर बहुत सारे उनके प्रशंसक, उनके जानने वाले लोग।